गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 4th of August 2022। आइए देखते हैं डिफरेंट करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है कल एंड आज और आने वाले दिन में हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। डॉलर इंडेक्स अभी है 106.40। कल हमने एक डोजी कैंडल यहाँ पे देखा हुआ है और कल का अगर हमारा एनालिसिस देखोगे, हमें यहाँ पे एक चीज देखना था कि प्राइस ये जो बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड है, सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है या नहीं। अगर आता है एंड लो को तोड़ता है देन इट विल बी एज्यूम्ड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस। आज के एनालिसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अभी हमें एक क्रिटिकल जोन मिला है। द जोन इज 107.20 से 107.50 एरिया। ये जो प्राइस है इस जोन के ऊपर जाना नहीं चाहिए। अगर इस जोन के ऊपर चला जाता है तो वॉलिटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑन बोथ साइड चॉपी बिहेवियर में बी एक्सपेक्टेड हियर। दिस इज वन कंडीशन एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये कल डोजी कैंडल फॉर्म हुआ उसके लो के नीचे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सॉफ्टनेस कहाँ तक होगा, ये होगा आपका 2nd अगस्त के लो के रेंज तक। सो हमें अभी एक या दो दिन में प्राइसेस में होवर अराउंड 105 ऑन द लोअर साइड एंड 107 ऑन द हायर साइड, इसी बीच में कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं आज और कल के लिए। एंड जो हमारा ये है कि ये रेंज के ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए। डॉलर रुपी आपका 2nd अगस्त में एक लो मारा था। लो मारने के बाद कल एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है। ये जो आपका पुल बैक है ये पुल बैक काफी स्ट्रॉन्ग है एंड हमारा जो सपोर्ट जोन इनिशियली था दैट इज 78.80 से 79.00, हमारा ये कल का एक्सपेक्टेशन था कि ये आपका ये जोन के ऊपर जाना नहीं चाहिए। एंड इट अगर ये जोन में ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो दैट विल बी द बेस्ट, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये ऊपर चला गया है। अभी नेक्स्ट हमारा होगा ये जो सेंटर बैंड है आपका बोलिंजर बैंड का जो सेंटर बैंड है, इस सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या नहीं। ये हो गया वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट। सेकेंड एस्पेक्ट हो सकता है आपका, एक्चुअली यहाँ पे एक प्राइस एक्शंस आ रहा है। ये प्राइस एक्शंस जो लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में बना है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड इस प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो देयर आर हायर चांसेस कि ये जो आपका 80.00 की तरफ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्टली 80 टच करने वाला है लेकिन ये 80 के तरफ जाने का और इवन बियॉन्ड जाने का एक प्रोबेबिलिटीज दिख रहा है। एंड कीपिंग द लो जो अभी 2nd अगस्त का लो बनाया है उसके लो के नीचे एज ए स्टॉप लॉस, इसके नीचे जाएगा तो हमारा जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस हमारा है कि प्राइस सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके क्या नीचे आता है एक। दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे जो आपका 2nd अगस्त एंड 3rd अगस्त का जो प्राइस एक्शंस बना है इट्स ए स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशंस। एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन है जिसके बेसिस पे देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये स्विंग हाई के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। दैट मींस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के डॉलर रुपी मे हेड टुवर्ड्स 80.00 और इवन बियॉन्ड। यहाँ का एक ही क्लॉज है कि ये जो 2nd अगस्त का लो है इसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू करेगा तो ये जो कैलकुलेशन है ये निगेट कर जाएगा। जीबीपी डॉलर में हम देखेंगे कल एक यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है एंड द प्राइस ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2207 एंड 1.2100। अभी हमें देखना है कि ये जो आपका
ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर डेली बेसिस में क्लोज दे देता है, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि प्राइस आपका 1.18 से 1.19 के तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। क्या कंडीशन है? पहले इसके लो के नीचे, ट्रेंड लाइन के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। अगर ये क्लोज दे देता है, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की जीबीपी डॉलर में ट्रेड टुवर्ड्स 1.18 एंड 1.19। इसका एक्सक्लूशन क्लॉज क्या है? एक्सक्लूशन क्लॉज यही है, ये आपका 1 अगस्त के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो ये कैलकुलेशन निगेट हो जाएगा। जीबीपी आईएनआर हम देखेंगे तो कल एक अच्छा खासा मीन्स पॉजिटिव कैंडल तो बना है, लेकिन ऊपर की तरफ काफी प्राइस रिसेक्शन आया है। ये एक बुलिश कैंडल, नो डाउट एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन हम अगर देखेंगे कि अपर साइड का जो प्राइस रिसेक्शन है, दैट इज द विक ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल इज मोर देन द बॉडी ऑफ द कैंडल। तो अभी यहाँ पे काफी आपका करंट लेवल पे काफी रिसेक्शन मिल सकता है। ये अपसाइड क्लियर तभी होगा जब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 97.00 से 97.30, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देगा, देन एंड ओनली देन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये आपका 98-98.50 के तरफ जाने का। तो ये जोन पे थोड़ा सा, ये जोन बोले तो आपका 97.00 से 97.25 में रेजिस्टेंस मिलने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। एंड ऑल्सो कल का जो कैंडल है वो प्राइस हायर एंड पे रिजेक्शन करने के कारण थोड़ा सा सेलर्स आर एक्सपेक्टेड ऑन द हायर साइड। यूरो डॉलर में देखेंगे कल एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है एंड ये ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0210 एंड 1.0122। यहाँ पे आपका प्राइस हमें मींस आपका 1.01 एंड 1.0270 के बीच में थोड़ा सा एक दो दिन बिहेव करने का एक्सपेक्टेशंस है। एंड यूरो आयनर अगर हम देखेंगे, यूरो आयनर का एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन एक ही चीज है इस ग्रीन कैंडल का ऊपर में प्राइस रिसेक्शंस। ये जो प्राइस रिसेक्शंस हैज बेसिकली निगेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। ये जो अगर पूरा का पूरा एंटायर रेंज अगर ग्रीन कैंडल में हो जाता तो इसका जो स्ट्रेंथ होता बहुत ही बढ़िया होता, और लेकिन अभी ये जो प्राइस रिसेक्शंस हो गया बिकॉज ऑफ विच इसका स्ट्रेंथ मींस समथिंग लाइक हाफ हो गया इसका। तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि प्राइस काफी रिसेक्शंस होने का, अपर लेवल पे रिसेक्शंस होने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जीबीपी डॉलर में एक आज का इम्पोर्टेंट इवेंट है, बीओई का रेट डिसीजंस। तो हमारा नजर बीओई का इवनिंग में आपका हमारा मीन्स आई थिंक इट इज 4:30 मोस्ट प्रोबेबली, टाइम थोड़ा सा देखना है, मोस्ट प्रोबेबली 4:30 का टाइमिंग से, तो वहाँ हमारा आईएसटी में 4:30 का मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग से, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा टाइमिंग्स एग्जैक्ट क्या है। तो उसमें काफी वॉलेटिलिटी होने का चांसेस है। डॉलर येन में हम देखेंगे, डॉलर येन में आपका ये जो टिपिकल सपोर्ट लेवल था 131 का, उसके नीचे गया लेकिन फिर ऊपर चला आया, एंड यहाँ पे भी एक प्राइस अच्छा खासा मीन्स स्ट्रेंथ दिखाया हुआ है फ्रॉम द लो लेवल्स, लोअर लेवल्स। यहाँ पे 3 लेयर ऑफ एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे। एक लेयर है कि आपका ये रेजिस्ट दैट मीन्स 134 134.50 यहाँ पे प्राइस रिजेक्शंस लेता है और नीचे आता है क्या, हमें वो देखना है। अगर नहीं लेता है तो ये जो सेंटर बैंड में आपका बोलिंजर बैंड का सेंटर बैंड है, इस एरिया पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या नहीं, ये हो गया दूसरा एनालाइज एक्सपेक्टेशंस। एंड तीसरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आपका जो है कि ये अगर तोड़ दे देता है देन द इमीडिएट रेजिस्टेंस विल बी एट 139 के आसपास। ये नाइनर में हम देखते हैं, ये नाइनर में देखेंगे कि कल एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है इन डिसीजंस, तो और फिर दोबारा ये थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली अभी ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। उसका मेन रीजन क्या है, 2 अगस्त को बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है ये जो रेजिस्टेंस लेवल के एरिया पे। अभी हमें देखना है कि ये सेंटर बैंड को ब्रेक करके नीचे जाना नहीं चाहिए, लेट इट टू मीन्स कंसोलिडेट हियर फॉर टाइम फॉर सम मोर टाइम।
अगर ये सेंटर बैंड के नीचे क्लोज दे देगा तो इसका जो स्ट्रेंथ है काफी कम हो जाएगा। डॉलर कैंडी में अगर हम देखेंगे तो आपका कल एक डॉलर कैंडी में एक मींस नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड इट निगेटेड डे बिफोर यस्टरडे का जो स्ट्रेंथ था उसको पूरा का पूरा निगेट कर चुका है। एंड हम अगर देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट सेंटर बैंड के आसपास प्राइस रिजेक्शन हुआ है। अभी हमें इंतजार करना है ये रिसेंट जो स्विंग लो है दैट इज 1.2770 उसके लो के नीचे जाना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी मे एक्सपेक्ट सम गुड डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पे। अगर प्राइस सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज दे देता है ऑन ए डेली बेसिस देन थोड़ा सा चौपीनेस फिर आ जाएगा मार्केट में। ऑसी डॉलर में हम देखेंगे कल एक स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन हुआ है एंड यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि इट टुक सपोर्ट एट सेंटर बैंड, दैट बीइंग द केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज इट इज गोइंग टू चैलेंज द इमीडिएट स्विंग हाई दैट इज 0.7050 के तरफ। ये 7050 के तरफ चैलेंज करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है कीपिंग द लो ऑफ यस्टरडेस कैंडल एज ए स्टॉप लॉस, यानी आपका 0.6870 के नीचे अगर प्राइस होवर करता है तो ये जो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन निगेट हो जाएगा एंड कीपिंग दैट एज ए स्टॉप लॉस फर्स्ट इट इज एक्सपेक्टेड टू चैलेंज 0.7050 के तरफ एंड एक बार ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये आपका 0.7250 के तरफ जाने का एक्सपेक्टेशन होता है। देन सीएनएच में हम देखेंगे कि प्राइस कल और भी ज्यादा मीन्स वही रेंज या बेसिकली आपका जो 14 जुलाई का मदर कैंडल है उसके अंदर में ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो व्हाट इट सिग्निफाइज हमें इंतजार करना है ये 14 जुलाई के रेंज के बाहर क्लोज देने के। एक बार अगर बढ़िया सा रेंज के बाहर आधा आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड अगर क्लोज दे देता है देन इन सच ए केस हमारा क्या हो सकता है कि वी मे एक्सपेक्ट ए स्पेक्टेकुलर प्राइस मोमेंटम ऊपर के तरफ, एक स्पेक्टेकुलर ऊपर के तरफ मे बी टुवर्ड्स 6.85 के तरफ और अगर नीचे के तरफ जाता है देन देयर मे बी एन एक्सपेक्टेशन ऑफ शार्प मूव डाउन टुवर्ड्स 6.6250 के तरफ, यानी बी रेडी विद दिस। यहाँ पे जैसे मोमेंटम होगा उसी का इम्पैक्ट डॉलर रुपये में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते। यूके ऑयल में हम देखेंगे जैसे कि हमारा ये एक टारगेट था कि 96.50 से 97 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एक्चुअली हम लोग यहाँ से यानी 19 जुलाई का या 20 जुलाई का अगर आप एनालिसिस देखना चालू करोगे तो आप देखोगे उस पर्टिकुलर 2 दिन से हम बार बार ये 96.5 एंड 97 के लिए एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा 21 जुलाई को ये 101.54 के आसपास कुछ यस 54 के आसपास कुछ लो मार के फिर दोबारा गया ऊपर में आपका 107.5070 के रेजिस्टेंस लेके दोबारा आ रहा था। तो ये पर्टिकुलर लेवल पे हमारा ये देखना था कि ये ऊपर क्लोज दे देता है या नहीं, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं दिया। ऊपर अगर क्लोज दे देता तो वॉलिटिलिटी काफी बोथ साइड वॉलिटिलिटी चौपिनेस एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये फिर दोबारा जब नीचे आया आप अगर देखोगे तो 29 जुलाई का हमारा ये ब्रेंट ऑयल का सेगमेंट तो हमारा ये था कि 101.50 के नीचे एक 96.5 97 का एक्सपेक्टेशन था। तो अभी ये 96.5 एंड 97 का जो एक्सपेक्टेशन है वहीं पे डॉट टारगेट हुआ है। अभी यहाँ पे आप देखो कि एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल यहाँ पे है। सो दैट बीइंग द केस दिस हैज बिकम ए गुड इम्पोर्टेंट ट्रिगर लेवल। ये इम्पोर्टेंट ट्रिगर लेवल क्या है, इम्पोर्टेंट ट्रिगर लेवल में आपको इसके लो के नीचे थोड़ा सा और वीकनेस आएगा। ऐसे भी हमारा एक एनालिसिस है, हमारा एक एनालिसिस है प्राइस बिलो 96.5 एंड 97 अगर डेली बेसिस में मीन्स 2 दिन बैक टू बैक मीन्स एक दूसरे का लो को तोड़ता है देन हमारा जो टारगेट है आपका 70.00 से 71.00 इसकी तरफ। ठीक है तो यहाँ पे ये प्योरली टेक्निकल पार्ट है, उसके लिए ये जो जोन है इसको कन्विंसिंगली स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आया टच डाउन किया फिर दोबारा ऊपर की तरफ चला गया, अगर ऐसा करेगा तो
आपका फिर मीन्स लोअर लेवल पे आके टच डाउन करके, ऐसे सपोज 96 आया, फिर इमीडिएटली सेम दिन में ये ऊपर बाउंस बैक किया, ऐसा अगर होगा तो 70-71 आने का कोई प्रोबेबिलिटीज नहीं होगा। बट अगर हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखता है नीचे की तरफ, देन वी में एक्सपेक्ट ब्रेंट ऑयल 70.00 से 71.00, जो मेरा काफी टाइम से हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, डिस्पाइट मिस मेजर प्लेयर्स द बिग बिग शॉट्स आर टॉकिंग अबाउट 150 इन ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो जो भी हो, सबका अपना अपना एनालिसिस है, कभी मेरा सही जाएगा, कभी उन लोगों का सही जाएगा, इट्स ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्ट ऑफ दिस मार्केट, एंड अल्टीमेटली हमें मार्केट को एक्सेप्ट करना चाहिए, नॉट आवर व्यूज कि हमने बोला था ये हुआ, हमने बोला था वो हुआ, उसने बोला था गलत गया, नो लाइक नॉट लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे नो वन इज 100% करेक्ट, कोई भी नहीं है। तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी अगर मान लो 70%, 75% अगर प्रोबेबिलिटी सही डायरेक्शन में जाता है किसी का भी कॉल, देन दैट इज एक्चुअली ए फैंटास्टिक एनालिसिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एनालिस्ट। US 10-year ट्रेजरी अगर हम देखेंगे, आपका 2 अगस्त में एक पुल बैक दिया है, एंड उसके बाद 3 अगस्त को एक दोबारा एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, ये नेगेटिव कैंडल जो है ये है इन्वर्टेड पिन बार और इन्वर्टेड हैमर। इसका लोकेशन आप देखोगे ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके आया है, तो आप हमारा एक्सपेक्टेशन कल का वही था कि क्या ये इधर में रेजिस्टेंस लेके दोबारा आएगा, तो कल यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल, अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल दिया है, दैट बीइंग द केस ये इसके हाई के ऊपर, यानी आपका ये जो रेंज है अभी 2.85, 2.86 बिकम्स ए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस अगर क्लोज दे देता है इन सच ए केस, वोलेटिलिटी ऑन बोथ द साइड्स, अनसर्टिनिटी ऑन बोथ द साइड्स प्रिवेल करेगा। अगर ये नहीं करता है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर दोबारा स्विंग लो को ब्रेक करता है, तो अगेन वन मोर टच डाउन हम देख सकते हैं। टच डाउन में जो हमारा इमीडिएट टारगेट हो सकता है, ये हमारा इमीडिएट टारगेट हो सकता है क्या 2.33, इसको भी नीचे दे देगा तो हमारा एक जोन आ सकता है, दैट इज आपका जो जोन होगा वो होगा आपका 2.06 ऑन द हायर साइड एंड 1.90 ऑन द लोअर साइड, ये एक जोन होगा, ये जोन थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है। इसका रीजन क्योंकि यहाँ पे प्राइस काफी बिल्डअप हुआ था, उसके बाद ही एक अपवर्ड मोमेंटम आया था, सो दैट मीन द केस इट मे बी कंसीडर्ड एज ए गुड सपोर्ट जोन, लेकिन अभी काफी नीचे आना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फेज वाइज प्रोबेबिलिटीज, नॉट कि अभी है 2.71 ये इमीडिएटली 2% पे आ जाएगा, नो no. ये 2% पे आने के लिए इसको डिफरेंट सिग्नल्स देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हमको अगर बॉम्बे से दिल्ली तक जाना है, हमें एक पार्टिकुलर रूट लेना पड़ेगा, व्हाट एवर मे बी द रूट, यहाँ से जयपुर जाएंगे, जयपुर से आगरा जाएंगे, आगरा से फिर दिल्ली पहुंचेंगे, या यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद से फिर जयपुर जाएंगे, जयपुर से फिर आपका मथुरा आगरा होके फिर दिल्ली जाएंगे, या यहाँ से MP जाएंगे, मध्य प्रदेश भोपाल के उधर से कुछ UP होके लेंगे, या यहाँ से कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता से फिर ये बिहार UP होके जाएंगे, जो भी हमारा पाथ होगा डेस्टिनेशन इज दिल्ली। इन सच ए केस क्या होगा, ईच एंड एवरी लेवल पे सिग्नल देगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन द मोमेंट कहीं हम अगर बॉम्बे से दिल्ली जाने के टाइम में हैदराबाद मिल गया, या बेंगलोर मिल गया, या गोवा मिल गया, या चेन्नई मिल गया, व्हाट इट मींस, इट इज नॉट गिविंग द सिग्नल कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली, रेदर वी आर हेडिंग इन अ डिफरेंट वे, दैट इज व्हाट आई वांट टू मीन। इसको अगर 2.70 से 2.00 की तरफ आना है, इट हैज टू गिव सिग्नल्स, सर्टेन इंडिकेशंस के मैं इधर जा रहा हूँ, दैट इज व्हाट द मींस प्राइस एक्शन एक्चुअली एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं। सो ये जो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक
then definitely put that like comment here. Also, share with your friend circle. And those guys who have not subscribed, please subscribe my channel. Thank you and have a good day.